हाय एवरीवन, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट पूरी तरह से अब विवादों में आ चुका है और एक तरह से रेंटी ने जिस प्रकार से रिजल्ट प्रकाशित किया है तो वाकई एक बहुत बड़ा स्कैम की ओर इशारा कर रहा, इसलिए क्योंकि देखिए एनडीए ने जब रिजल्ट निकाला और रिजल्ट के बाद जो उन्होंने सफाई दिया है उस प्रेस रिलीज किया है, इस प्रेस रिलीज में भी उन्होंने कई ऐसे सवाल है जिनको उस प्रेस रिलीज से काफी बच्चों को संतुष्ट नहीं कर रहा। और ये प्रेस रिलीज भी कब किया गया, उस समय किया गया जब आप लोगों ने सोशल मीडिया पे पूरी तरह से दबाव डाला, छात्रों का डेमोक्रेटिक टाइप से उन्होंने विरोध जब किया एनटीए के इस रिजल्ट का, तब उन्होंने प्रेस रिलीज किया। गजब हो गया ये हमारे भारत इस देश में कि हर एक चीज के लिए प्रेस रिलीज कर दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है। अगर आप बहुत ही ईमानदार है, मैं एनटीए के विश्वनेता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बहुत ही ईमानदार है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, सारे बच्चे उनके जानकार जो भी एनटीए के नीट के जो जानकार है उन सभी के जो डॉट है, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बहुत से बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जिनके इस रिजल्ट से को लेकर बहुत से सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब आप जरूर दे दीजिए ना, सारे से एक साथ ही सारे डॉट ही क्लियर हो जाएंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या हर्ज है। इस भारत में अभी जो इस प्रकार से देखिए, एक तरफ से मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप अगर सजग रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वरना कल आप सवाल उठाने के लायक भी नहीं रहोगे। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप जो एनटीए का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से आप सभी कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई छात्र संतुष्ट नहीं है। सबसे पहली बात, अगर एनटीए का जो प्रेस रिलीज किया गया है या कह सकते हैं प्रेस नोट उन्होंने एक वेबसाइट पर डाल दिया है और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मार्क जो है वो 1500 छात्रों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया गया है। सबसे पहली बात कि जब शॉर्ट में जब कोर्ट चलेगा, हाईकोर्ट चला गया, तब एनटीए को इस बात को नींद जागी कि हाँ क्वेश्चन पेपर मिलने में बच्चों को ज्यादा ही लेट हो गया था, जिसके कारण से 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया। अरे भाई, ये आप ग्रेस मार्क्स का आप एक डेटा भी तो दे देते, किस आधार पर दे रहे हैं, किस नंबर आप जो मार्किंग ग्रेस मार्क्स का कर रहे हैं उसका एक गाइडलाइन भी तो जारी कर देते। अरे सबसे अच्छी बात है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, पूरी प्लानिंग के साथ बैठकर आप सवाल और जवाब का उन सभी छात्रों का, देशवासियों का जरूर दीजिए, जो अभी हमारे नीट के सभी बच्चों जो कि बहुत असमंजस में है, उनके रिजल्ट को लेकर बहुत से सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब मिलना चाहिए। ऐसा सर में गया है कि एक एक कोचिंग का छह छह जो है बच्चे टॉपर हो गए। अरे भाई ठीक है, टॉपर हो गए, उसकी भी सबके घेरे में आता है कि नहीं, ये सभी चीजों को देखना होगा, हर हाल में देखना होगा कि आखिर ये रिजल्ट किस प्रकार से है। एनटीए के द्वारा से यही अगर हम बात करें 2024 का जो एग्जाम का प्रोसेस, अगर शुरू से अगर आप बात करोगे तो देखो, जब एग्जाम हुआ वहीं पर विवाद शुरू हो गया, एग्जाम के दिन से पेपर लीक हुआ, कोर्ट तक ये केस चली गई है, उसके बाद भी एनटीए ने सफाई हमेशा देता रहा कि नहीं नहीं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। तो भाई आपने 1500 बच्चों का जो ग्रेस मार्क्स देके जो आपने सफाई दिया है और रिजल्ट निकाला है, खास करके 4 जून को ही, जैसे 4 जून को आप रिजल्ट निकालने में भी एक शक के घेरे में आता है कि आपने वक्त तय के अनुसार से पहले रिजल्ट कैसे निकाल दिया, ये भी एक सवाल है। कुछ ऐसे सवाल है जो मैं एनटीए से सवाल करता हूं, और मेरी अपनी सवाल नहीं है, ये हमारे सभी व्यूअर्स का सवाल है कि अगर ग्रेस मार्क्स कैसे आपने दिया, किस बेस पर दिया। दूसरी बात है, आप रिजल्ट जो डिक्लेयर किया वो 4 जून का ही डेट क्यों मेंशन किया। तीसरी बात है, क्या इसमें रिजल्ट में आपने जो 1500 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे हैं या ग्रेस मार्क्स दिया है, आप कहते हैं ग्रेस मार्क्स मिला है, उस ग्रेस मार्क्स का क्या आपने मापदंड तय किया है,
वो जरा बच्चों के सामने क्लियर कर दिया जाए ताकि आपकी विषमता और बढ़ती जाए। मैं तो ये भी कहूंगा, से मांग करूंगा कि अगर ठीक है आप कहते हैं रिजल्ट सही है तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, इसके विशेषज्ञ जो है वो आपसे सवाल पूछ लेंगे, आप भी पूरी तैयारी होके आइए, तब आप पे विश्वसनीयता लोगों का बनी रहेगी। इस भारत में अभी हमारे इस देश में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं वो लगता है अपना पूरी काम जो है दंड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका विरोध जनता ही कर रही है और जनता जवाब भी दे रही है। सबसे पहली बात 720 नंबर में देखिए एक पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो इसी प्रेस नोट्स में खामियां है, भैया आपने बताया 2020 2021 22 में और 20 से लेकर 23 तक में आपने दिखाया, पहले समझिएगा, आपने 2020 में दिखाया 297.18 कैंडिडेट जो है वो 720 नंबर के में आपका कट ऑफ यहां चला गया, ठीक है इतना कट ऑफ गया। एवरेज 2021 में थोड़ा सा बढ़ा, फिर 2022 में डाउन कर दिया, फिर 2024 में आप बोलते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम बहुत अच्छा होने लगा, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होने लगा, ये आखिर कैसे हो रहा है, जो आप इसको भी क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि जैसे आप 720 मार्क्स जो लाने वाले बच्चे हैं वो कितना है, 67 है, बहुत बड़ी डेटा है, वो कोई छोटा डेटा नहीं है कि हमारे इस भारत देश में, इस देश में पढ़ने के, मैं ये कभी सवाल नहीं उठा रहा हूं कि ज्ञान की कमी हर बच्चों में है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एकाएक 67 टॉपर हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल है, इन सभी सवालों का जवाब दीजिए, और मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर आप शेयर करो, और ताकि यह वीडियो लोगों तक पहुंचे, और अभी भी आपके बहुत से ऐसे सवाल है जिनका जवाब एनटीए ने नहीं दिया है, उन सभी का जवाब आप मांगने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, ट्विटर में ट्रेंड कीजिए, प्लस री एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। देखिए हर हाल में हर जगह से यही मैसेज आ रहा है कि एग्जाम का पेपर लीक हुआ, आपने साफ इनकार कर देते हैं, अरे भाई कभी गलती हुई है उसको तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ यहाँ गलती हो गई है, गलती को एक्सेप्ट करने से कोई छोटा नहीं होता है, लोगों की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। सो मैं यहीं पर अपने वीडियो को खत्म करता हूँ, और आने वाले दिनों पे तक जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक इस चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं सभी उन सभी छात्रों के साथ हूँ जो न्याय की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।